हेलो भाई, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकलेन अलवी है। मेरे ख्याल से आप मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। दरअसल मसला ये कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ वक़ार ज़का के बारे में। असल आप लोग सारे के सारे एक नंबर के चूतिया बने हुए हैं। ये जो वक़ार ज़का है सिर्फ अपनी पब्लिक सिटी के लिए, अपने खुद को फेमस करने के लिए, अपने कुछ पैसे अर्न करने के लिए हम यंग जनरेशन को यूज़ कर रहा है, मगर हम लोग और आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं, उसकी वीडियोस बना के उस पे पेज पे डाल रहे हैं, उसके ग्रुप में डाल रहे हैं। अबे भाई, मेरे नंबर के तुम बेवकूफ़ हो बंदे, जो उस रंडी के बच्चे को देख रहे हो, उसके प्लान तो देखो, वो कैसे उसका पेश आ रहा है, उसका नज़रिया क्या है, वो किस चीज़ के लिए कर रहा है पहले समझो। और ऊपर से वक़ार ज़का तो मेरे नंबर का रंडी का बच्चा है, उसने इतनी व्याशअप कर दी, क्या बात है। सिर्फ उसके मैं खुद उसके ऑडिशन में किया था, तो मुझे बहुत साल हुए उसके पीछे में तहकीकात करते करते, बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊंगा और उसको मैं उसके ऊपर बड़े से बड़े केस डलवाऊंगा, और रंडी के बच्चे की जो बोल चलने का प्रोग्राम है ये भी बंद करवा के रहूंगा। मगर जो हम खुद यंग जनरेशन है और आप जो हैं खुद देखने वाले, खुद चीज़ें करने वाले, तब आप तक ये नहीं समझेंगे उसके बारे में, उसका चीज़ है क्या, तब तक ये चीज़ कुछ नहीं हो सकते। दरअसल मैं गवर्नमेंट से भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, रंडी के बच्चे पर ऊपर से केस बनाएं और इसका जो पूरे का पूरा शो है बंद कर दें। हमारी इकोनॉमी को, हमारी मईशत को, हमारी यंग जनरेशन को ये ख़राब कर रहा है। रंडी का बच्चा हर चीज़ में देखो, सिर्फ वो फिर कहता है कि अभी यार जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। अभी रंडी के बच्चे तू किस किस को तुमने जस्टिस दिवाई है, मुझे ये तो बता दो। वक़ार ज़का खुद को इतना कहता है कि फेमस करना चाहता हूँ, मैं हर किसी को जस्टिस दिलाऊंगा, तूने आज तक किसी को जस्टिस दिया है? सिर्फ अपनी वीडियोस बना के वहाँ पे जाता है। हाँ भाई, ये मसला है। अभी रंडी के बच्चे हम क्या पागल बैठे हुए हैं? हर कोई जो हर किसी को बंदे को देखे घुमा के बैठ रहा है, मीडिया से पहले तू पहुँच रहा है क्यों? अपनी पब्लिक सिटी के लिए। अब हम तेरी असलियत, तेरा हम चेहरा जान चुके हैं। अब हम खुद जो करेंगे ना तेरे साथ, वो खुद तुम ही देखोगे और पूरी दुनिया भी देखेगी। और तू इन तकरीबन पहले कुछ साल पहले जो HTV के ऊपर प्रोग्राम किए थे, क्या तूने उसके ऑडिशन, उसके फाइनलिस्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं? और कह रहा है कि अब ये जो भी बंदे गेम शो में आएंगे मैं उसको 1 करोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसी को 1 करोड़ नहीं देने वाला। ये कान खोल के और ये आँखें देख के देखो, ये कभी पैसे नहीं देगा। इतना आशा हो गया कि पहले उसमें जो HTV प्रोग्राम किया था उसने अभी तक उसके फाइनलिस्ट नहीं करवाए, ना उसकी चीज़ आगे बढ़ी है, ना कुछ हुआ है। ऊपर से असल जो HTV का प्रोग्राम बंद हुआ है उसके पीछे एक बड़े से बड़ा सीक्रेट छुपा है। मेरे ख्याल से आपको वो पता नहीं। एक्चुअली वो राज ये है कि उस प्रोग्राम में किसी लड़की की डेथ हो चुकी है, इसके लिए वो फाइनलिस्ट प्रोग्राम हो ही नहीं सका। मुझे इस चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं कि उस बारे में किसी लड़की की डेथ हुई है, मगर मैं उसके बारे में अभी तहकीकात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको पूरे की पूरी बता दूंगा। मगर अब हम जो कह रहे हैं ना, मुझे पता है आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैं खुद आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आप इस थोड़ा सा दम में ना उसके ऊपर आवाज़ उठा के देखो ये कैसे कर रहा है। सिर्फ आप जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक ये चीज़ कुछ बनेगी नहीं। इस हरामी के बच्चे को इतना आप जलील करो, इससे पूरे प्रोग्राम बंद होना चाहिए या खुद इसके ऊपर एक केस दाखिल हो कि हम सब जनरेशन और हम यंग लड़कों को ख़राब कर रहा है। ऊपर से इतना वेशायब करे, आप ऑडिशन में जाके तो देखो ना, आपने बहुत सी जो मेरी वीडियोज़ देखेंगे आप पहले जा भी चुके होंगे और मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। लड़के 3-3 दिन से वेटिंग में खड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ दूर से आते हैं। अगर कोई बच्ची वहाँ पे गई, अगर कोई भी वहाँ पे गई, उसको सिर्फ पता चलेगा कि एक बच्ची आई है, फौरन उसको वहाँ से लेके आएगा और अपने ऑडिशन के लिए उसी टाइम बुलाएगा कि आया इस बच्ची का अभी ऑडिशन हो रहा है। अबे भाई, हम क्या पागल बैठे हैं? हम के तूने अपने पागल समझ करके बैठा हुआ है? रंडी का बच्चा है तो मुझे पहले ये बता, उस हरीम शाह के साथ तेरे ताल्लुकात क्या हैं? हर किसी के साथ ये सिर्फ खुद की अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा है और अपने पैसे कमाने के लिए, खुद की पब्लिक सिटी के लिए। अरे भाई, तुम हम जो आवाम है ना, तुम भी चूतिया बनी के बैठी हो, मुझे पता है। आप इसके बारे में आवाज़ कोई नहीं उठाएगी, सिर्फ आप उसके प्रोग्राम देख के उसके कमेंट करके, हाँ भाई वक़ार भाई है, वक़ार भाई। अरे कुछ अकल तो पैदा करो यार, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, हर चीज़ जानते हो, पहचानते हो, देख भी रही हो, फिर भी उसके बारे में इतनी सारी बातें, उसको इतना फेमस करना। मेरे नंबर के तुम भी घटिया इंसान हो, हम खुद भी घटिया हैं, तो हम उसको इतना फेमस कर रहे हैं। अभी मुझे पता है आप ये मेरी वीडियोस कभी शेयर नहीं करोगे, ना ही देखोगे, मगर इंसानियत के खातिर किसी को बता देना कि यार एक बंदा है जो इसके आवाज़ के ऊपर उठ रहा है। अगर कोई भी उठना चाहे ना, पहले से मैं उठाऊँ, अगर किसी में भी दम है तो वो खुद भी उठा के इसके ऊपर गालियाँ देके ऐसे कोई वीडियोज अपलोड करके दिखाए तो मैं उसको सलाम करूँगा ऐसे दोनों हाथों से। अभी एक हाथ से कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों हाथों से करूँगा। हाँ भाई, किसी लड़के में दम भी है सही,
बस खुद को कह रहे हो हाँ भाई ये खुद की वीडियोस बना के अपने आप महबूद रख के ऊपर डाल ही नहीं रहे। अरे भाई कुछ ऊपर करो तो सही, ऐसे आवाज उठेगी, ऐसे हर चीज में जस्टिस मिलेगा। और ऊपर से बस वकार जका, हाँ भाई वकार जका है। अरे रंडी का बच्चा है पहले नंबर का, बोसरी का कुछ।